रवि मालवी युवक ने उम्मीद शिक्षण समिति पर आर्थिक अनियमितताओं का संदेह होने पर सूचना के तहत जानकारी मांगी थी, जिसे नहीं दी जा रही है। वहीं जिला पंचायत के पीके मिश्रा ने कहा कि जानकारी तैयार है। एक दिन की भी निकाली है तो फर्जी है ना, तो एक साल की हो चाहे दो साल की। ये संस्था के बारे में ये 2012 में इनको आदेश हुए थे कि आप इस पर अभियान से संबंधित कार्य संपादन एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित कार्य संपादन हेतु आगामी आदेश तक कार्यालय में संबद्ध किए रहे हैं। ये आदेश थे बल्लभ भवन से भोपाल से, लेकिन इनको ये सारे प्रभार दिए गए, स्थापना भंडार लोक कल्याण शिविर बहुसंलग्न अनुदान छात्रवृत्ति सामाजिक शिक्षा, जबकि ये अनुचित है। जो संबद्ध कर्मचारी होता है उसको वित्तीय प्रभार नहीं दिए जा सकते, लेकिन विभाग ने मिलीजुली भगत से इनको ये प्रभार दे रखे, इसका भी हमने आवेदन लगाया कि आप इनके प्रभारों को निरस्त करें। आपका नाम क्या और आप यहाँ जिला पंचायत में किस लिए आए? मेरा नाम डॉक्टर रवि मालवीय, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ विदिशा में। मैंने एक आरटीआई लगाई थी सामाजिक न्याय विभाग में एक संस्था के खिलाफ। संस्था का नाम है उम्मीद शिक्षण समिति, दुर्गा नगर रोड महाराणा प्रताप कॉलेज के जस्ट पास में ही है। मैंने ये आरटीआई लगाई थी कि 2017-18 और 18-19 में जो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो संस्था को 1.5 लाख रुपये महीने का जो फंड दिया जा रहा है 18 महीने से अभी तक के लगभग, तो मुझे उनके जो संस्था द्वारा लगाए गए जो बिल हैं जो विभाग ने पास किए हैं, मुझे उनकी प्रमाणित प्रति चाहिए। तो मैंने सामाजिक न्याय विभाग में ये आरटीआई लगाया था। तो परसों के दिन मैं संस्था में विभाग में उपस्थित हुआ और मेरे पास लेटर जो आया विभाग का कि आप 21 तारीख को आकर जानकारी ले सकते हैं 900 रुपये जमा करके। मैंने 900 रुपये परसों जमा कर दिए थे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं दी गई और 900 रुपये की रसीद भी नहीं दी गई। वो रसीद मुझे विनोद श्रीवास्तव जी जो यहाँ के जो संस्था प्रभारी हैं उन्होंने नहीं दी, ये कहकर के हमारे विभाग में रसीद के कट्टे छपे ही नहीं हैं। और तो इस बाबत मैंने जो है CEO साहब को एक आवेदन दिया है कि विनोद श्रीवास्तव द्वारा मुझे जानकारी नहीं दी जा रही है। और जानकारी कल उन्होंने जो सरकारी दस्तावेज थे कल हमें पूरे दिन गुमराह किया। उन्होंने सरकारी दस्तावेज विभाग के बाहर किसी व्यक्ति को दे दिए जिस संस्था के थे उसको दे दिए ताकि वो फर्जी बिल छांट सके। और उसका वीडियो हमारे पास है, अब हम वीडियो हम न्यूज़ वालों को भी दे चुके हैं, सबको दे चुके हैं। संस्था द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जो बच्चे वहाँ है ही नहीं उनके नाम लगाकर भी सरकार से निराश्रित निधि से धन निकाला जा रहा है विनोद श्रीवास्तव जी के मिली भगत से। तो हम ये चाह रहे हैं कि संस्था की जांच हो, जिसके लिए हमने RTI लगाया था ताकि हमें बिल हमारे हाथ में आए तो हम जांच करा सकें। लेकिन विनोद श्रीवास्तव जी जो कि इसमें खुद लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में और निराश्रित निधि का गलत उपयोग कर रहे हैं, विकलांग बच्चों का पैसा खा रहे हैं दोनों मिलकर संस्था और विनोद श्रीवास्तव, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जाँच हो। इसी बाबत मैं आज CEO साहब के पास आया था और मैंने उनको आवेदन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको बिल भी दिए जाएंगे और जो भी RTI की तहत आपने जानकारी मांगी वो भी दी जाएगी और संस्था के खिलाफ भी जाँच की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण? ये इन्होंने जो है सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी उम्मीद शिक्षण संस्था है जो विशेष स्कूल चलाती है दुर्गा नगर में, उसके बारे में इन्होंने RTI लगाई है, उससे संबंधित जानकारी जो है ये चाह रहे हैं। तो हमारे जो संबंधित लिपिक हैं उनके द्वारा जो जानकारी 400 कुछ पेज है उसमें, जिससे ऊपर का कुछ पैसा भी जितना बनता है ऊपर ने उनको दिया है, उसके हिसाब से उन्होंने पैसा जमा कर दिया है। उसके बाद जो फोटो कॉपी होगी आई है उसको हम भी मैंने स्वयं परीक्षण किया अभी, तो मुझे भी लगा कि नहीं अभी इसमें कुछ जानकारी कम है। तो वो समझ जो दूसरे हमारे लिपिक है मैंने आज उनको प्रकरण सौंपा है कि आप इसका जो प्रस्ताव उनकी ओर से आते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं उन डॉक्यूमेंट को हमें संबंधित को देना है, क्योंकि उन्होंने RTI इसके बारे में लगाई, तो वो हम पूरे दस्तावेज करके और इनकी उपलब्धता करवा। उनका कहना है कि कुछ कागज़ जो है फर्जीवाड़ा तो मेरे सामने तो अभी नहीं आया, ये क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति संबंधित संस्था में पहले से कार्यरत रहे हैं, हो सकता है कि इनके बारे में इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा। तो यदि वो RTI के दस्तावेज को ले जाके और कुछ मुझे फिर से बताएंगे कि इसमें ये कमियां हैं तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। सर इसमें क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो भी उसमें मुझे बताया जाएगा कि क्या प्रकरण है, फिर उसका यदि हम परीक्षण करा के संबंधित जो हमारे अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये NGO है? NGO किस प्रकार का गतिविधि होती है इसमें? इसमें NGO जो है जो विकलांग बच्चे दिव्यांग बच्चे हमारे हैं उनको स्कूल चलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको फिजियोथेरेपी कराते हैं, उनके लिए विशेष स्कूल कुछ इस तरह से अलग अलग उसमें मानसिक विकलांग बच्चे भी हैं, कुछ पोलियोग्रस्त बच्चे भी हैं, उनको किस तरह से जो है बिहेवियर चेंज आए, उनके शारीरिक और आर्थिक उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे।